ठीक है। यहाँ तक देखा था। देखो, इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, आप देखो क्या करने का। अब CH3, दिस इज दी इथेन, दिस इज इथेन। आउट ऑफ CH3 वन CH एंड दिस वन CL कंबाइंस टुगेदर एंड फॉर्म HCl। अब देखो, ये CH3 का एक हाइड्रोजन और ये H कंबाइन होते और HCl फॉर्म होता। अब यहाँ CH3 का एक H गया, क्या बचा? CH2, राइट। एंड दिस CL इज अटैच टू CH2 एंड फॉर्मेशन ऑफ इथिल क्लोराइड CH3CH2Cl, इथाइल क्लोराइड। ओके, इथाइल क्लोराइड, ठीक है, इथाइल क्लोराइड हो गया, ठीक है। देखो नेक्स्ट, अब ब्रोमीन की देखो, अगर रिएक्शन करने के और इथेन रिएक्ट्स विथ, अब इसमें एक ही प्रोडक्ट आता, रिएक्ट्स विथ ब्रोमीन, इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट टू गिव इथिल ब्रोमाइड। अब देखो, इथेन की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करने की, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस BrBr, यूवी लाइट। अब आउट ऑफ दिस थ्री हाइड्रोजन वन हाइड्रोजन कंबाइंस विद बियर, मैंने इसका राइट किया, इसका मतलब क्या है? ये जो राइट क्लिक है, ये स्टैंडर्ड बुक में भी ऐसा रहता है, ऐसा नहीं है कि मैंने ही दिया है, स्टैंडर्ड बुक में ये नोटेशंस रहते हैं। इसका मतलब होता है, ये हाइड्रोजन CH3 में जो तीन हाइड्रोजन है उसका एक हाइड्रोजन इस Br के साथ कंबाइन होता है, और HBr साइड प्रोडक्ट फॉर्म होता और दिस Br अटैच टू। अब ये थ्री हाइड्रोजन है तो एक गया तो CH2 बचे, तो उस CH2 को इधर का एक एक ब्रोमीन जो रिमेनिंग है वो अटैच होता, CH3CH2Br प्लस HBr, राइट। अब इसका नाम है इथिल ब्रोमाइड, और ये इथेन। ओके, तो ऐसे रिएक्शन से बच्चों समझ में आ रहा है क्या रिएक्शन? अभी सेकंड पार्ट है रिएक्शन का, इसलिए थोड़ा अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो। ठीक है, तो आप तुमको सबको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा स्लो स्पीड में और अच्छी तरह से पढ़ा रहा हूँ। पहले एक दो चैप्टर तो ऐसे ही पढ़ाते हैं, मगर इसमें भी अगर कुछ दिक्कत है तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। अब देखो, कौन सा भी चैप्टर जो है वो कैसा रहता है, अभी अभी आज के लेक्चर में ये इतना ही लेने का है, नेक्स्ट पार्ट कल देखते हैं। पहले मैं थोड़ी इंफॉर्मेशन बोलता हूँ। अब ये जो पार्ट है अल्केन का, कौन सा भी चैप्टर हो, अल्केन, अल्कीन या अल्काइन या ट्वेल्थ के चैप्टर, 7-8 पॉइंट में उनका डिवाइडेशन होता है। अब कौन सा है देखो, पहले रहता है डेफिनेशन, डेफिनेशन,
तो अल्किन की हमने डेफिनेशन देखी, अल्किन्स की। और दूसरा पॉइंट रहता है जनरल फॉर्मूला, वो भी हमने देखा, वो अल्किन की भी डेफिनेशन देखने वाले हैं हम, और अल्काइन की भी डेफिनेशन देखने वाले। अगर ये अल्केन अगर आपके समझ में आया तो अल्किन और अल्काइन आ जाएगा, और ये वो ये तीनों आ गए तो ट्वेल्थ के सब वो पार्ट सब आ जाएगा, पार्ट सेकंड का। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाऊंगा और तुम खाली ये करोगे। अगर तुमको कुछ प्रॉब्लम है तो तुम पूछ भी सकते हो, मगर क्यूरी रखने की नहीं, प्रॉब्लम रखने का नहीं, सॉल्व करके आगे जाने का, क्योंकि इस पर सब केमिस्ट्री अभी डिपेंड है। थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड पहले डेफिनेशन जनरल फॉर्मूला, थर्ड है वो अगर अगर होगा तो क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन देखते हैं, ठीक है। और यहाँ स्ट्रक्चर भी देखते हैं, स्ट्रक्चर अल्किन में भी अभी देखने के, क्लासिफिकेशन। फोर्थ क्या है, फोर्थ को हम डायरेक्ट अब क्लासिफिकेशन होने के बाद आइसोमेरिज्म का एक पार्ट है, वो सब में है, अल्किन में भी आइसोमेरिज्म। और फिफ्थ जो है वो नॉमनक्लेचर, नॉमनक्लेचर उसमें कॉमन सिस्टम और IUPAC सिस्टम, ये दोनों है, कॉमन सिस्टम और IUPAC सिस्टम। और नॉमनक्लेचर के बाद रहता है प्रिपरेशन मेथड देखे हमने, प्रिपरेशन मेथड के बाद रहता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल में क्या, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, मेल्टिंग पॉइंट कितना है, गैसेस है क्या, लिक्विड है, ये बताते हैं उसमें, दो चार पॉइंट बताते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में, फिजिकल प्रॉपर्टीज। और आठवां पॉइंट रहता है केमिकल प्रॉपर्टीज जो अभी हम देख रहे हैं। और इसमें प्रिपरेशन मेथड और केमिकल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें रिएक्शंस है, जो कि अभी तुमको टेंथ को इतने नहीं थे, मगर इधर से अब सिर्फ सारे रिएक्शन ही देखने के, इसमें रिएक्शंस है, इसलिए ये दो पार्ट इम्पोर्टेंट है। अब प्रिपरेशन मेथड आप सबको याद होने चाहिए, हमने कितने देखे, चार प्रिपरेशन मेथड देखे हमने, तीन देखे। पहला क्या है, फ्रॉम अनसैचुरेटेड कंपाउंड, उसमें अल्केन और अल्काइन से हमने अल्केन प्रिपेयर किए। दूसरा क्या है, फ्रॉम अल्किल हलाइड उसमें वुड्स रिएक्शन हमने देखी, सॉरी अल्किल हलाइड नहीं, हाँ अल्किल हलाइड रिडक्शन का देखा। तीसरा क्या है, फ्रॉम एक्टिव मेटल्स, मेटल्स यूज करके, और बाद में सोडियम साल्ट और फैटी एसिड से, तीन चार प्रिपरेशन मेथड हम देखे। अब तुमको ये याद होना चाहिए, सीक्वेंस तुम्हारी आंखों के सामने आना चाहिए, ओके क्या क्या देखा है। तो और केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टी में अल्केन की रिएक्शन करके कौन से कंपाउंड फॉर्म हो सकते हैं, प्रिपरेशन मेथड के एग्जैक्ट ऑपोजिट। प्रिपरेशन मेथड में क्या है, अल्केन प्रिपेयर करने के नाम में ही मीनिंग है, प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्केन्स, अल्केन्स तैयार करने के, फॉर्म करने के, प्रिपेयर करने के। और केमिकल प्रॉपर्टीज में अल्केन दूसरे रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके दूसरा कंपाउंड फॉर्म करने का। अब यहाँ देखो, इथेन Br2 के साथ रिएक्ट करके यूवी लाइट के प्रेजेंस में इथिल ब्रोमाइड फॉर्म किया, तो यह है, इसको बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स, नहीं तो केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं उसको। और लास्ट पॉइंट रहता है यूजेस, तुमने जनरल फॉर्मूला देखा, डेफिनेशन देखा, नॉमनक्लेचर, प्रिपरेशन, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, मगर इतना क्यों, इसके यूजेस क्या है, तो उसके यूजेस लास्ट पॉइंट रहता है यूजेस का। तो आप
तुमको कौन सा भी चैप्टर इसमें इस पॉइंट में डिवाइड होगा, ये मैं आपको ये चैप्टर होने के बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल की अच्छी तरह से मैं लिख के दूंगा। इसी सीक्वेंस में सब चैप्टर करते हैं। एक आधा पॉइंट कम ज्यादा होता है, आइसोमेरिज्म का कम ज्यादा होता है, मगर डेफिनेशन, जनरल फॉर्मूला, क्लासिफिकेशन, नॉमनक्लेचर, ये तो पांच कंपलसरी है। नॉमनक्लेचर प्रिपरेशन मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और यूजेस, इसको तो कोई चेंज नहीं कर सकता, ये तो है। ओके, तो ठीक है, अब देखो इतना ही देता हूँ और बाद में, अभी रिएक्शन खत्म नहीं हुए। रिएक्शन पहली पहली केमिकल प्रॉपर्टी जो हमने स्टार्ट किया अभी वो पूरी नहीं हुई। हाँ बोलो। ये नेक्स्ट। अब ये तो आयोडीन का होमवर्क है तुमको। और इधर यहाँ भी आयोडीन का होमवर्क है, यहाँ भी तुम एक आयोडीन की रिएक्शन कर सकते हो। अभी हमने क्या लिया, इथेन और क्लोरीन, सीएल सिंगल बॉन्ड सीएल, इथेन और बीआर सिंगल बॉन्ड बीआर। ओके, अरे जस्ट वन मिनट, ये शेयर नहीं किया मैंने। हाँ ये देखो, ओके, तो या इथेन और क्लोरीन लिया, इथेन और ब्रोमीन लिया। अब तुम क्या करो, यहाँ इथेन और आयोडीन ले लो, क्या आएगा प्रोडक्ट, इथिल आयोडाइड प्लस एच आई। तो दिस इज योर जॉब, राइट। तो ये तुम करो, और आयोडिनेशन की पहली रिएक्शन आज दो होमवर्क है, और ये पूरा प्रिपेयर करो अच्छी तरह से। अब मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर इतना प्रिपेयर किया तो कल का लेक्चर समझ में आएगा। कल में थोड़ा हायर लेवल का है कल के लेक्चर में, तो ये इतना अगर किया तो आ जाएगा वो समझ में, ठीक है। इतना ही, दो तीन मिनट पहले ही रुकते हैं आज। ठीक है, बोलो। पहले वाला पेज शेयर करने का क्या? ठीक है, एक मिनट करता शेयर। एक मिनट, हाँ यही है फर्स्ट पेज। हाँ, इथेन रिएक्ट विद आयोडीन ये तुम करो, दिस इज, ये तुम्हारे लिए रखा मैंने। सेम रिएक्शन है, सेम रिएक्शन रहते जितने क्लोरीन की हो गई वैसे ब्रोमीन की, वैसे आयोडीन की रहती। ओके, ओके सर, ओके। So friends, they will stop here. Remaining part discuss tomorrow.